अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, वुलन थ्रेड के साथ हम ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। क्रोशिया हुक में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 10.075 mm। तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्द बन जाता है। एक्चुअली मेरे बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो मैंने सोचा अब आपको ईजी डिज़ाइन सिखा दूँ ताकि मैं भी उनके पेपर्स की तरफ तवज्जो दे सकूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम इस थ्रेड को अटैच करेंगे। जिस भी चीज़ पे आप बना रहे हैं इसको वहाँ पर अटैच करना है। 1, 2, टू चेन्स लेनी है। टू चेन्स लेने के बाद स्पेस लेके सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। 1, 2, टू चेन्स लेंगे, स्पेस लेंगे, अटैच करेंगे। 1, 2, टू चेन्स लेंगे, अटैच करेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, थ्री स्पेस बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन्स लेंगे। 8 चेन्स लेने के बाद इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सेकंड स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेके हम इसे अटैच करेंगे। 1, 2, टू चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास। 2, 2, 3, थ्री डबल क्रोशिया लेने के बाद 1, 2, 3, थ्री चेन्स लेंगे। और ये देखिए ये फर्स्ट के जो हमारे फ्रंट के जो टू लूप्स हैं इनको उठाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा के हम पीकॉट बनाएंगे। फिर से हमने यहाँ पर 1, 2, 3, थ्री डबल क्रोशिया लेनी है। 1, 2, 3, थ्री चेन्स लेनी है। थ्री चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा के पीकॉट बनाएंगे। फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया लेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, थ्री चेन्स लेंगे। 1, 2, 3, थ्री पी कॉर्ड बनाए हैं। 1, 2, 3, थ्री टाइम हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया लेने के बाद ये देखिए टू चेन स्पेस के बराबर हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया लेके अटैच करेंगे। 1, 2, टू चेन्स लेंगे। टू चेन्स लेने के बाद फिर से हम सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट फ्लावर था इसमें हमने 8 टाइम सिंगल चेन्स ली थी, लेकिन उसके बाद हम जितने भी ये फ्लावर्स बनाएंगे हम 6 डबल क्रोशिया 6 चेन्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन्स लेने के बाद इसे हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये देखिए ये जो सेकंड हमारे पास पीकॉट है इसमें हम 2 क्रोशिया लेके इसे अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पर 1, 2, टू चेन्स लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर हमने फिर से 2 क्रोशिया ले लेना है। 1, 2, बस फ्रेंड्स ये इतना सा ही हमारा डिज़ाइन है।
अब मैं आपको एक और इसके ऊपर सेम ऐसा फ्लावर बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन्स लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब ये जो हमारे पास सेकंड वाला पीकॉट है, ये देखिए इसके और इसके सेंटर में जो है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच करेंगे। 1 2 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे, 1 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास, 2 3 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 2 3 3 चेन्स लेंगे, 3 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर हम पीकॉट बनाएंगे। फिर से हम इस स्टिच में 3 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 and 3 1 2 3 3 चेन्स लेंगे, 3 चेन्स लेने के बाद इन टू लूप्स को उठाएंगे और यहाँ पर पीकॉट बनाएंगे स्लिप स्टिच लगा के। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 2 3 3 चेन्स लेंगे, टू लूप्स उठाएंगे, स्लिप स्टिच लगा के पीकॉट बनाएंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया ले लेंगे, 1 2 3 अब हमने इसे अपने दुपट्टे के साथ या जिस भी चीज़ पे आप बना रहे हैं उसके साथ सिंगल क्रोशिया लेके अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह बनेगा, बहुत ही प्यारा बनके ये आता है। इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। बना के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बनके ये कैसा दिखता है।